हेलो गाइस, वेलकम टू अजय वाई एस। माई नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन द ओल्ड स्टोन एज। मैं आपको बता दूँ, ये इसी टाइम इसी समय आपको फ्री में मिलेगी कंटिन्यूसली। इसमें मैंने कई सारे सोर्सेज से कंटेंट लिया है, NCERT, ओल्ड NCERT, न्यू NCERT, आर एस शर्मा और पूनम दलाल दहिया की बुक जो है, और तमिलनाडु की बुक से खासकर मैंने कंटेंट लिया है यहाँ से, 11th क्लास के जो NCERT। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले तो ये समझिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझिए कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से शुरू है, और पहले जो हमारे मॉडर्न मैन थे और जो हमारे पूर्वज थे वो कहाँ से निकल के, किस पीरियड से। देखो, अभी इस टाइम में हम अगर मैं बात करूँ तो हम क्या है, मॉडर्न मैन। 10,000 साल पहले हम आए थे। इपोच क्या है, हेलोसीन, और पीरियड कौन सा, क्वार्टनरी। क्वार्टनरी पीरियड में दो ही पहुँच है, हेलोसीन में अभी अपन है जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, उससे पहले प्लीस्टोसीन है जो कि 2 मिलियन ईयर से 10,000 साल तक था, होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस के बारे में मैं समझाऊंगा। फिर यहाँ पे जो प्री प्लीस्टोसीन पीरियड है यानी प्लीस्टोसीन, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर यहाँ से निकल के आया था, यानी कि हमारा जो ह्यूमन एंसेस्टर है वो 2 से 5 मिलियन ईयर्स के बीच में आया था, डेवलप हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से है। देखो, हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से निकल के है, हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी करना। तो इस हिसाब से देखिए तो पास्ट इवेंट्स की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना और अपनी जो रिसर्च करके उन पर कंक्लूजन ड्रॉ करना। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हिस्ट्री में भी आपने वर्ड सुने होंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री, तो जो प्री हिस्टोरिक होता है वो उन इवेंट्स के लिए होता है जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो स्टोन एज है उसमें राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जो आपकी पैलियोलिथिक एज है उसमें राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आती है। प्रोहिस्टोरिक जो होता है उसका मतलब होता है प्री हिस्टोरिक और हिस्ट्री के बीच में। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब ये होता है, प्री हिस्टोरिक समझ में आ गया, जब राइटिंग की इन्वेंशन नहीं हुई। प्रोटो हिस्टोरिक होता है वो उन इवेंट्स के लिए जाना जाता है जब रिटर्न रिकॉर्ड्स तो नहीं हुए, उस टाइम इवेंट इन्वेंशन नहीं हुआ रिटर्न राइटिंग का, लेकिन जो उसकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थी वहाँ पे उसके बारे में रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल, हरप्पा है, हरप्पा में आपको जो लिखा हुआ रिटर्न रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो कंटेम्पररी उस टाइम की जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन थी उसमें हरप्पा के बारे में आपको रिटर्न रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो वो इस हिसाब से वैदिक पीरियड भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो जो प्रो हिस्टोरिक है इसमें वैदिक पीरियड भी आ जाता है आपका, क्योंकि उस टाइम रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले, लेकिन बाद में देखे गए तो उसके कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में और बाद में इनकी चीज़ें हैं वो लिखी गई थी, उस टाइम नहीं लिखी गई थी, ठीक है। और फिर प्रोटो हिस्टोरिक के बाद में आता है आपका हिस्ट्री, जब राइटिंग का इन्वेंशन शुरू हो जाता है, फुल फ्लैश जो है वो यहाँ पे मॉडर्न मैन रहता है और पूरी तरीके से राइटिंग का यहाँ पे राइटिंग जो है वो प्रचलित रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे उनके एंसेस्टर्स निकल के कहाँ से आए, अफ्रीका से। इसका सबूत क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूमन अपीयर्ड ऑन अर्थ इन प्री प्लीस्टोसीन एंड अर्ली प्लीस्टोसीन टाइम्स। अब यहाँ पे प्लीस्टोसीन मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं यूट्यूब की। देखिए, प्लीस्टोसीन है और ये अर्ली प्लीस्टोसीन है। यहाँ पे अर्ली प्लीस्टोसीन से अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर निकल के आए हमारे 2 से 5 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, 2 से 5 मिलियन ईयर्स पहले निकल के आए। कहाँ पे, अफ्रीका में। सबूत क्या है कि अफ्रीका में ही है। होमिनिड्स का जो ओरिजिन है, होमिनिड्स जो ह्यूमन के जैसे अपीरियंस वाले होते हैं, जरूरी नहीं हो ह्यूमन हो, एप भी हो सकते हैं। तो जो अफ्रीकन एप्स थे जो ह्यूमन होमिनिड्स से रिलेटेड थे वो वहीं पे निकल के, जो अफ्रीकन एप्स थे वो होमिनिड से बिल्कुल रिलेटेड थे, अफ्रीका में जो एप्स पाए गए थे। दूसरा देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अब ये एक तरह का एप था जो हमारा सबसे अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर जिसको बोलते हैं, वो ईस्ट अफ्रीका में ही इसके जो मिलते जुलते अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स पाए गए थे। और उस टाइम तो कहीं अफ्रीका के बाहर फॉसिल फ्यूल पाए भी नहीं गए। 5.6 मिलियन ईयर्स एगो ईस्ट अफ्रीका में ये फाउंड हो गए थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बाहर शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये दो वजह हैं जिससे हम कह सकते हैं कि होमिनिड्स का जो ओरिजिन है वो अफ्रीकन है। अब ये समझिए कि होमिनिड्स यानी कि ह्यूमन के अपीरियंस वाले
दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है। मेजर मैं अगर बताऊँ आपको तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन मैं आपको और थोड़ा ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूँगा। ऑस्ट्रेलो मतलब होता है साउथ, साउदर्न, और पिथेकस, पिथेकस का मतलब होता है एप, तो साउदर्न एप, एप यानी जो आपके चिंपांजी जो बंदर वगैरह होते हैं जो पहले के, तो एप जो है आपके पिथेकस का मतलब होता है एप, और ऑस्ट्रेलिया मतलब साउथ, तो साउदर्न एप यानी अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका के जो एप थे उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। और ये हमारे अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर थे, करीब 5 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है अपीयर होने लग गए थे। फिर इसके बाद में होमो, होमो हमारा ही जो आप कह सकते हैं जो एक हम जिस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, जिस ब्रांच से हम बिलोंग करते हैं वह होमो, इससे ही होमो आपको हेबलिस मिलेगा, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सब मिलेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में डिफरेंस ये है कि इसके जो दांत थे, जबड़ा था, दिमाग की साइज, जो ब्रेन केस की जो साइज थी वो थोड़ी छोटी थी होमो से, धीरे धीरे बढ़ती चली गई होमो की, ठीक है। होमो में भी कई सारी ब्रांचेस मैं आपको बताऊंगा, तो ये डिफरेंस इन दोनों में है। एक बार हम ढंग से देख लेते हैं, सबसे पहले ये हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस निकल गए, इनका ब्रेन केस की साइज देखिए, और ये देखिए थोड़े से झुके हुए हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस ये हमारे जो स्किलफुल मैन जो निकल के होमो ब्रांच के, उनका ब्रेन केस बड़ा हो गया और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। होमो हैबिलिस इरेक्टस सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस, हम इस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। होमो हैबिलिस इसका मतलब होता है हैंडी और स्किलफुल मैन, ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका में पाए गए थे 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। इनके जो ब्रेन केस की साइज़ है 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फिर होमो हैबिलिस के बाद इरेक्टस है, और इरेक्टस की जो साइज़ है वो 800 से 1200 है। फिर आप देखेंगे होमो सेपियंस, जिनको वाइज मैन भी कहा जाता है, उनकी साइज़ बढ़ती चली गई। और वेस्टर्न जनवरी में कुछ जो ह्यूमन की रेस थी, नियनडर्थल जो मैन थे उनसे ये थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, तो अभी हम होमो सेपियंस बोलते हैं, यानी वाइज मैन जो है हम इनसे थोड़ा मिलते जुलते हैं। और होमो सेपियंस सेपियंस ये तो फुल फ्लेश्ड मॉडर्न मैन है जो करीब 1.5 लाख साल पहले लेटर स्टोन एज में आ गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैन जो है वो अपराइट हो गया, मतलब कमर कैसे झुकी हुई थी, धीरे धीरे अपराइट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कि ऐसा क्या हुआ कि, अब देखो कई थ्योरीज हैं, कोई कहता है कि जब जरूरत, जब इंसान की जो ये बॉडी की शेप जब अपराइट होती गई, यानी वो पहले दो अपने दो पांव से और दो हाथों से चलता था, तो जब वो सीधा होता गया तो दो पांव से चलने लगा, तो उसके जो हाथ थे वो फ्री हो गए दोनों हाथ, तो वो दोनों हाथों से क्या करता, तो वो टूल्स बनाने लग गया। और जब वो सीधा हो गया था तो उसे दूर का नज़र आने लग गया, तो वो दूर के हिसाब से टूल्स बनाने लग गया, और इस वजह से उसका दिमाग भी बढ़ता चला गया, क्योंकि दूर की चीज़ें दिख रही है उसको, लॉन्ग टर्म की वो, लॉन्ग डिस्टेंस की वो सोच पा रहा है। और दोनों हाथ उसके फ्री हो गए तो वो चलने के, दौड़ने के और के और चीज़ों के हिसाब से भी सोच पा रहा है। तो कई कनेक्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, खैर वो एंथ्रोपोलॉजी में हो जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, अर्ली मैन इन इंडिया, इंडिया की बात करते हैं कि अर्लीस्ट जो स्कल फॉसिल्स है वो हमारे शिवालिक हिल्स में पाए गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे गलती से मैंने इंडियन पाकिस्तान लिख दिया, यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो स्कल्स जो हैं वो उस टाइम के पोटवार प्लेटू में, जो कि पंजाब प्रोविंस है, आज का जो पाकिस्तान है उसका जो, उसमें जो पंजाब है उसके पोटवार प्लेटू में अपीयर हुए थे। इनका, इनको कहते हैं रामापिथेकस और शिवापिथेकस। पिथेकस मैंने आपको बताया है इसका मतलब होता है एप, ए पी ई एप। तो रामापिथेकस और शिवापिथेकस स्कल्स थे ये, बेसिकली होमिनिड फीचर्स ही दिखाते थे, मतलब ह्यूमन के जैसे ही लगते थे, लेकिन थे ये एप, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। जैसे सबसे पहला जो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, पिथेकस था, वैसे ही इनकी ही ब्रांच के हैं, दिखते होमिनिड फीचर्स थे इनके बिल्कुल, लेकिन थे एप ये, फुल फ्लैश्ड, आप इनको मॉडर्न मैन की जैसे नहीं बोल सकते। रामापिथेकस फीमेल थी और दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते थे। ये जो है वो शिवापिथेकस है मेल, और रामापिथेकस जो थी वो फीमेल थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपको अभी भी एप नज़र आ रहे हैं, फुल फ्लैश्ड मॉडर्न मैन नज़र नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट अगर कंप्लीट होमिनिड स्कल की मैं बात करूं तो 1982 में हमारे पाया गया था नर्मदा की मिडल वैली में, एमपी में, कहाँ पे, हथनोरा में, एमपी के हथनोरा में, नर्मदा वैली में। होमो सेपियंस से ये बिलोंग करता है, होमो सेपियंस मैंने आपको समझाया वाइज मैन, ठीक है। होमो सेपियंस सेपियंस जो फुल फ्लैश्ड मॉडर्न मैन है, जो हमारा लास्ट जो आप कह सकते हो जो डेवलप हुआ था होमो सेपियंस सेपियंस,
वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, श्रीलंका आ जाते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में फा हिन प्लेस नाम की जगह है जो कि मानी जाती है अर्लीस्ट अपर पैलियोलिथिक साइट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर यह पाया गया फुल फ्लेश्ड मॉडर्न मैन। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका में फा हिन प्लेस में पाया गया, बाकी इंडियन जो है वहाँ पर होमोसेपियन सेपियंस का कहीं भी अता पता नहीं था कि हमारे देश में कहीं मिला हो। अब एक बार इसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, पीपीटी में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो होमो हैबिलिस इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियंस। इसके बाद हम अब स्टोन एज पे आएंगे, पैलियोलिथिक एज पे आएंगे, फिर मेसोलिथिक पढ़ेंगे, फिर नियोलिथिक पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।